सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसजी गेमिंग। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक मजे से और हिरियत से होंगे। सो गाइस, आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रेपलेब कस्टम कार्ड के बारे में कि आप लोगों ने जो है ना ये कस्टम कैसे बनाना होगा और इसका तरीकाकार क्या होगा। इसी के साथ साथ गाइस, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस कस्टम मैप में जो है ना अपना मैप जो है ना आप लोग कैसे क्रिएट करेंगे और किस तरीके से आप आसानी से जो है ना अपना मैप क्रिएट कर सकेंगे। फुल मैं आप लोग को डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो फिर चल चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स। तो फिर चलिए गाइस शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप लोग नीचे देख ले, आप लोगों को क्रेपलेब का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर जो है ना रिकमेंडेड है, और यहाँ पर एक जो है ना माई वर्क टेबल है गाइस। तो यहाँ पर आप लोग देख ले, माई वर्क टेबल में बहुत सारे मैप्स हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मैप यहाँ पर पसंद आ जाता है तो आप उसमें आसानी से खेल सकते हैं। यहाँ पर जो है ना एक कोड दिया हुआ है, आप लोगों ने जस्ट ये कोड जो है ना कॉपी करना होगा। अब ये कोड कॉपी करके आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ आप लोगों को एक और भी काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है कि इसको जो है ना आप लोगों ने सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब जो है ना यहाँ पर मैं चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर जो है ना इसकी मैप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ओवरराइड पर क्लिक करेंगे, इसके साथ जो है ना यहाँ पर कंफर्म करते हैं तो आप लोगों का जो है ना ये मैप सब्सक्राइब हो जाएगा। अब गाइस सब्सक्राइब करते ही मैंने वहाँ पर क्रिएट पर क्लिक किया और हम रूम में आ गए। तो यहाँ पर जो है ना रूम कस्टम अपना बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैप आप लोगों को किस तरह से सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने जो जो यहाँ पर मैप सिलेक्ट किए हैं, मतलब कि आपने सब्सक्राइब किए हैं, तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, आप लोगों को यहाँ पर नजर भी आ रहा है। यहां पर मैं मैप पर क्लिक करता हूं गाइस, यहां पर जो है ना आप लोगों को नजर आ रहा है। इस तरह से जो है ना आप लोगों को यहां पर ऑप्शंस भी मिलते हैं। आप लोगों ने अगर कोई मतलब अपना मैप बनाया है तो वो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और के मैप को यूज करते हैं तो आप लोगों को जो है ना वहां पर ये ऑप्शन भी मिलता है। आप लोगों ने जो भी सब्सक्राइब किया होगा वहां से जो है ना आप लोग इसको यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है, जिस तरह मैंने यूज किया। फिर मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि आप लोगों ने किस तरह बनाना होगा, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेकिन यहां पर आप लोग फिर कस्टम की बात करते हैं तो यहां पर जो है ना गाइस, यहां पर कस्टम आपका इस तरह से बन जाएगा। और अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोग मतलब आप लोग 1v1 में खेलना चाहते हैं, 1v2 में खेलना चाहते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, जिस तरह हम नॉर्मली रूम खेलते हैं तो उसी तरीके से आप लोग ये भी खेल सकते हैं। और यहां से जो है ना आप लोग स्टार्ट करेंगे तो यहां पर आप लोग देख ले, मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, मतलब आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए गाइस, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं गाइस, आप लोगों को समझ भी आ जाएगा इससे। और ये जो है ना यहां पर आप लोगों को गेम प्ले भी दिखा देता हूं इसका। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने मतलब यहां पर मैप जो है ना वो इतना मतलब अच्छा तो नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए बनाए। आप लोग यहाँ पर जितने भी चीजें बनाएंगे ना, मतलब आप जितना भी अपनी मर्जी से आप लोग जिस जैसा भी मैप बनाएंगे उस तरह का मैप होगा, और आप उसमें जो है ना कस्टम खेल सकेंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लगाई तो नहीं है, मतलब यहाँ पर सिर्फ मैदान है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कस्टम प्ले किया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम प्ले कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप भी खेल सकते हैं। मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप लोग अपना मैप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख ले गाइस, इस तरीके यहाँ से जो है ना आप लोगों को नीचे डिजाइन का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उसी जगह पर जाएंगे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो इसी डिजाइन पर क्लिक करेंगे, क्रेपलेब पर क्लिक करेंगे, मतलब सेटिंग का ऑप्शन है गाइस, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते ही आप लोग इस मैप में आ जाएंगे, और यहां पर आप लोगों ने अब करना क्या है, मैप एडिटर गाइस यहां पर लिखा हुआ है। तो इसमें करना क्या होगा, इसमें करना यह है कि आप लोगों को मतलब के बहुत सारे यहां पर ऑप्शन दिए हुए, आप लोगों ने किसी एक को मतलब जो भी आप लगाना चाहते हैं, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने इसी तरीके से जो है यहां पर मैं आप यहां पर कंटेनर लगा रहा हूँ, कंटेनर लगा दिया गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मतलब आप लोग जो भी चीज लगाना चाहते हैं आप लोग इजीली लगा सकते हैं, और आप लोग जो है ना अपना मैप अपने जरिए से अपने ही मतलब मुताबिक अपने सोच के मुताबिक बना सकते हैं, और इसी में आप लोग रूम खेलेंगे जिस तरह मैप बना रहा हूं गाइस, आप लोग देख सकते हैं। यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप लोगों को बताने जरूरी है, अगर आप लोग किसी चीज को रिमूव करना चाहे तो किस तरह रिमूव करेंगे, जिस तरह आप लोग इस होम को देखे मैंने रिमूव किया गाइस, किस तरह रिमूव किया, आप लोगों ने करना क्या होगा, उसी मतलब जो भी चीज आपने बनाया होगा उसी मैप के जरिए उसकी मतलब जो शक्ल होती है उसको वहां पर रखना है और उसको दोबारा क्लिक करना है, तो वो जो चीजें है ना वो रिमूव हो जाएगा खुद ब खुद, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने काफी ज़रा चीजें लगाई है, मतलब मैंने एक मैप सा बना दिया है गाइस, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, मतलब आप कोई कार भी यहाँ पर मैंने जीप भी लगा दिया है, तो आप कोई भी मतलब जो भी चीज़ आपका व्हीकल्स में से जो भी पसंद हो वो भी आप यहाँ पर गाइस लगा सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप लोग टायर वगैरह भी लगा सकते हैं, आप लोग देख ले, यहाँ पर मैं लगा के दिखाता हूँ, और इस पर जंप भी करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, ये मतलब किसी रूफ वगैरह पे चढ़ने के लिए या फिर उस पर जो है ना डायरेक्टली जंप करने के लिए हम यूज करते हैं। अब गाइस जो मैप आपने बना दिया, अगर आप वो
आपको पसंद नहीं है और आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने करना क्या होगा, उसी जगह पर वापस जाना होगा। यहाँ पर जो है एक ऑप्शन है जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना होगा और सारा कुछ रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और शेयर कर ली। होप करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।